फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है धोखा कभी मरता नहीं है। आज आप किसी को देंगे, कल आपको जरूर कोई ना कोई आपको धोखा वापस मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रोसाइ गुरु में आपका चैनल में स्वागत है। आज हम मिथुन राशि का राशिफल फरवरी 2024 कैसा रहेगा, क्या ग्रह गोचर स्थिति है, नवग्रहों की क्या स्थिति है, आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, मनी, फाइनेंसेस, लव लाइफ क्या हैं, उपाय एंड में दिए जाएंगे, महीने की विशेष तिथियां एंड में दी जाएंगी जिससे कि आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति में मैं बता दूं कि 11वें भाव में गुरु भगवान हैं, 10वें भाव पे राहु और 9वें भाव पे शनि भगवान है। ये स्थिर राशियाँ हैं। बाकी 4th हाउस में आपके केतु भगवान हैं और आपके सप्तम भाव में शुक्र और मंगल हैं, वो फिर शिफ्ट कर जाएंगे। साथ में 8th हाउस अष्टम भाव पर बुध और सूर्य भगवान हैं। ये ग्रह गोचर स्थिति है। बुध भगवान मिथुन राशि, चंद्रमा की राशि, लगन की राशि से आप इसको या नाम राशि से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और मिथुन राशि जिमिनी, इसके प्रधान जो हैं वो उसके गुरु हैं बुध भगवान। सबसे पहले हेल्थ का चर्चा करेंगे। देखिए, हेल्थ की चर्चा जब भी होती है तो राशि के लॉर्ड जो है बुध भगवान से की जाती है। बुध भगवान जो है अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह का अष्टम 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह का जो गोचर होता है वो शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में आपके हेल्थ में इम्यूनिटी, स्किन प्रॉब्लम्स, बोन्स, आपके हाथ में, पैरों में कुछ ना कुछ तकलीफ, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो 20 फरवरी के बाद जो है बुध भगवान 9वें भाव में आएंगे तो वो समय सही रहेगा। इसलिए 20 फरवरी तक ये महीना आपके लिए हेल्थ वाइज ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद हम आते हैं आपके एजुकेशन, पढ़ाई पे। पढ़ाई का योग जो है, सबसे पहले मैं बता दूँ, पंचम भाव से पढ़ाई संतान का और पढ़ाई का डिनोट करता है। इसमें देखिए, शुक्र भगवान सप्तम भाव के लॉर्ड हैं आपके, वो अभी 12 फरवरी तक जो है अभी अष्टम भाव में हैं। उसके बाद जो है वो भी जो है वो अष्टम भाव में चले, पढ़ाई के लिए जो है अष्टम भाव तक 12 फरवरी तक समय आपका शुभ नहीं है। इसके बाद जो है 12th फरवरी के बाद जो है पढ़ाई का जो योग है जो है इसमें क्या होगा कि आपको जो मन नहीं लगेगा और आपकी जो कोई भी जो है किसी किस्म का जो आपको परिवर्तन अभी नहीं करना है, ये ध्यान रखें। तो 12 फरवरी तक जब वो अष्टम भाव पर जाएंगे तो तब जो है आपको थोड़ी बहुत मन ना लगना, कठिनाई या कोई रुकावट आ सकती है। उसके बाद हम आपके लव लाइफ पर डिस्कस करते हैं। लव लाइफ भी पंचम भाव से ही इसको डिनोट किया जाता है। पंचम भाव आप जानते हैं संतान का है, उस पर शुक्र भगवान का कब्जा है। शुक्र भगवान अभी मैंने जैसे पहले बताया कि वो अभी जो है वो 12 फरवरी के बाद जो है 12 फरवरी तक तो अच्छे हैं, उसके बाद जो है थोड़ा आपके लिए समय थोड़ा ठीक नहीं है, मगर फिर 20 फरवरी के बाद फिर वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए अभी कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है, जिसके कारण आपको अभी संभल के रहना पड़ेगा। इसके बाद हम आपकी चर्चा करते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ का जो चर्चा होता है वो सप्तम भाव से होता है। सप्तम भाव के स्वामी जो है इस टाइम आपके गुरु भगवान है। गुरु भगवान 11वें भाव पर गोचर करके उसकी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर, भाग्य के मालिक की भाग्य स्थान पर ही दृष्टि हो रही है। तो आपका कैरियर, आपकी आपका ओवरऑल जो संत आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो बड़ी अच्छी रहेगी और आपके गुड आप कह सकते हैं ये आपका रहेगा। मंगल सिर्फ थोड़ा एक चिंता का विषय है। मंगल जो है 5 फरवरी तक जो है रहेंगे यहाँ पे 9वें भाव पे, उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे अष्टम भाव पे। तो तब तक जो है 5th फरवरी तक थोड़ा बहुत हो सकता है स्लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो ऐसे में थोड़ा अपने वाणी पे कंट्रोल रखेंगे तो बेटर रहेगा। इसके बाद हम आते हैं भाग्य स्थान पर। भाग्य के मालिक जो है मैंने बताया था कि दोनों शनि भगवान हैं, कैरियर के बृहस्पति हैं। तो कैरियर के डिस्कशन पहले करते हैं। कैरियर बृहस्पति भगवान का 11th हाउस पर हैं, वो पूरे अप्रैल 2024 तक तो यहीं रहेंगे। इसके बाद जो है वो उसकी दृष्टि चेंज होके दूसरे भाव पे आ जाएंगे, वृषभ राशि पे। तो ऐसे में न्यू एरियाज, आपके जॉब, जिनका अपना बिजनेस है, जो भी अपने नए कार्य क्षेत्र हैं, पैसे की इनकम अच्छी रहेगी और जो भी जो प्रॉफिट्स हैं इनकम डबल होंगे, लाभ के कारक होंगे और अप टू और लाभ के कारण
20 फरवरी के बाद जो है अधिक शुभ योग के संकेत मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं आपके बिजनेस पर। देखिए बिजनेस के कारक बुध ग्रह हैं, बुध ग्रह आपके अष्टम भाव पर रहेंगे तो इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा। 20 फरवरी के बाद जो है क्या नाम है बेटर हो जाएगा 20 फरवरी के बाद, क्योंकि बुध भगवान की पूजा। देखिए बुध बैंकिंग, फाइनेंस, इनकम टैक्स, आईटी के और आपका जितना भी जो रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको उनके कारक हैं, तो बुध भगवान वैसे आपको जो है आपको लाभ देंगे मोर स्पेसिफिकली आफ्टर 20 फरवरी। तो ये बेसिक हमने आज आपको डिस्कशन बताया कि मिथुन राशि का ओवरऑल अगर हम देंगे हेल्थ का इशू थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, रिलेशनशिप्स में ओवरऑल ठीक है, कैरियर में भी जो है इनको जो है सफलता मिलेगी, मगर 20 फरवरी के बाद ज़्यादा शुभ रहेगा। मनी सिचुएशन भी 20 के बाद रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं वो जहाँ कर रहे हैं चेंज ना करें, और जिनके अपने बिजनेस है या कोई अपना काम कर रहे हैं वो भी न्यू वेंचर्स या न्यू आइडियाज़ 20 फरवरी के बाद करें। उपाय के स्वरूप में बुध को प्लीज करने के लिए बुध के उपाय करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, शुक्र के उपाय करें और ओम शुक्राय नमः या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुभ रहेगा। ये बेसिकली जनरल रीडिंग है, और स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप हमारे से 8010001346 पर संपर्क कर सकते हैं। और मेरा आपसे विनती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम नया एक हमने शुरू किया है तिथि का, फरवरी में मास में क्या इंपॉर्टेंट तिथि है जिनको आप उसको और अधिक बनाने के लिए जो भी पूजा पाठ या कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले 6 और 20 फरवरी को एकादशी है, बड़ा इंपॉर्टेंट। 9 फरवरी को अमावस है, 13 को गणेश जयंती है, 14 को जो है 14 फरवरी को वसंत पंचमी, 17 को दुर्गा अष्टमी है, 19 को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़ा विदेश, 22 तारीख को गुरु पुष्य अमृत है, उस दिन कुछ भी शुभ कार्य करना आपके लिए लाभकारी रहेगा, 24 तारीख को पूर्णिमा है, पूर्णिमा तिथि, उस दिन व्रत भी कर सकते हैं और दान के लिए शुभ होता है, 28 तारीख को संकट चतुर्थी है, उस दिन गणेश जी की विशेष उपासना करना शुभ होगा, या उस दिन आप गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करेंगे ना तो बहुत ही आपके लिए लाभ रहेगा। और ये मैंने आपको पूरी विधि बता दी है। मिथुन राशि वालों को मैं फरवरी मास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू माय डियर फ्रेंड एंड गुड विशेस फॉर द न्यू ईयर।